जीवन में हमें अक्सर अपनी गलतियों और बीते हुए कार्यों का पछतावा होता है। हम खुद को सोचते हैं कि क्या होता अगर हमने वह कार्य नहीं किया होता या उस गलती को सुधार दिया होता। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि बीता हुआ कल वापस लौटकर नहीं आता है? यहाँ हम एक छोटी लेकिन गहराई से सोचने वाली महात्मा बुद्ध की इस कहानी के माध्यम से देखेंगे कि हमें अपनी भूलों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। महात्मा बुद्ध एक गांव में प्रवचन सुना रहे थे। उन्होंने अपनी मधुर वाणी से सभी को संबोधित करते हुए बताया कि हर किसी मनुष्य को धरती माँ की तरह सहनशील तथा क्षमाशील होना चाहिए। क्रोध मानव का ऐसा शत्रु है जो दूसरों को तो हानि पहुंचाएगा, साथ में खुद भी उससे नहीं बच पाएगा। सभा में सभी लोग शांति से उनकी बात को ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। तभी वहाँ उस सभा में एक अति क्रोधी व्यक्ति भी उपस्थित था। वह पहले तो उनकी बात सुनता रहा, फिर वह अचानक महात्मा जी से क्रोधित होकर बोला। बोलते समय उसका आंखें खून के समान लाल हो रही थी। उसने बोला कि तुम ढोंगी हो, यहाँ बैठकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। यह जो भी तुम कुछ कह रहे हो ना, इसको सचमुच करना बहुत मुश्किल है। तुम्हारी इन बातों का कोई मतलब नहीं है। यह सब बातें कोई मायने नहीं रखती। असल जिंदगी में कहानी सुनाना बंद करो धूर्त महात्मा, और जहाँ से आए हो वही चले जाओ। कठोर वचन सुनकर भी महात्मा जी ने उस क्रोधी पुरुष का कोई विरोध नहीं किया और न ही उसकी बातों पर कोई भी प्रतिक्रिया दी। वह शांत रहे और अपना काम करते रहे, जिससे वह पुरुष और भी क्रोधित हो गया। उसकी समझ नहीं आया वह क्या करे। तब उस पुरुष ने महात्मा जी के मुंह पर थूक कर चला गया। अगले दिन जब उस व्यक्ति का क्रोध शांत हुआ और उसे अपनी गलती का पछतावा हुआ, तब वह आत्मग्लानी में जलने लगा। और फिर उसने सोचा कि उस महात्मा से मुझे माफी मांगनी चाहिए। वह महात्मा जी की खोज में उसी स्थान पर गया जहां महात्मा जी कल प्रवचन दे रहे थे। लेकिन महात्मा जी वहां कहां मिलने वाले थे? वह तो अपने शिष्यों के साथ अन्य किसी गांव की यात्रा पर निकल पड़े। वह पुरुष सब लोगों से महात्मा जी के बारे में पूछता पूछता उस स्थान पर पहुंच गया जहां की महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे। तब उस पुरुष को महात्मा जी के शिष्यों ने उसे उनके पास जाने से रोका, लेकिन महात्मा जी ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि आने दे उस पुरुष को। तब वह पुरुष महात्मा जी के चरणों पर गिर गया। उनसे बोला, मुझे क्षमा कीजिए महाराज। उसने महात्मा जी से पूछा, क्या आप भूल गए हो कि वही जिसने कल आपका इतना अपमान किया था, मैं अपने दुष्ट कृत्य की आपसे माफी मांगता हूँ। तब महात्मा जी ने बड़े शालीनता से उस पुरुष से बोले कि कौन सी बात। तब उस पुरुष ने बड़ी हैरानी से महात्मा जी की ओर देखा। महात्मा जी बोले कि मैं तो बीती बातें वही छोड़ आया, क्योंकि बीता हुआ कल कभी वापस लौटकर नहीं आता। इसलिए बीती हुए बातों की वजह से आज और अपना आने वाला कल नहीं बिगड़ना चाहिए। जो हो गया सो हो गया, तुम्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, यही सबसे बड़ी बात है। तुम अपनी गलती को मान लिए सो तुम अब निर्मल हो गए हो, इसलिए कोई भी ग्लानि अपने मन में नहीं रखो। महात्मा जी की बात सुनकर उस पुरुष के मन का भार हल्का हो गया और उसने महात्मा जी के चरणों को पकड़कर कहा, आज से मैं अपने क्रोध का त्याग करता हूँ और धैर्यवान और क्षमाशील होने का प्रण आज से लेता हूँ। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह प्रेरणा मिलती है कि यदि अपने बीते हुए कल की गलती को लेकर हमें वर्तमान में उसका पछतावा न कर, उस गलती को हमें अपने भविष्य में कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बीता हुआ कल कभी लौटकर वापस नहीं आता।